पटेल जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री प्रवेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने का ये अवसर दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के नए भारत के संकल्प के बारे में बताया गया और इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से ही विकास के नए अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी थी और इसलिए सरकार के पिछले कार्यकाल से लेकर आज तक जितनी भी तमाम योजनाएं प्रारंभ की गई उन योजनाओं के जिन आंकड़ों का जिक्र इस अभिभाषण में है वो और कुछ नहीं बल्कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाली उपलब्धियां हैं। चाहे हम उन आवासहीन लोगों की बात करें, ऐसे 2 करोड़ लोगों की जिनको घर पर सर पे एक छत देने का काम हमारी सरकार ने किया और इसकी सबसे खास बात ये रही कि ये घर परिवार की महिला के नाम पर हमारी सरकार ने देने का काम किया। आमतौर से हमारे समाज में परंपरा है कि घर मकान खेत गाड़ी जो भी होगा वो या तो पति के नाम पे होगा या बेटे के नाम पे होगा, लेकिन मोदी जी की सरकार ने एक परिवर्तन समाज के अंदर लाने का काम किया। जो आवास 2 करोड़ लोगों को दिए गए वो घर की स्त्री के नाम पे, घर की महिला के नाम पे दिया गया ताकि वो सर उठा के जीवन जी सके और इसके साथ ही महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और इसके साथ ही हमारी गरीब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 8 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के जरिए बेहतर जीवन देने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया। 8 करोड़ की संख्या, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और 5 सालों में हमारी सरकार ने ये करके दिखाया है। 38 करोड़ लोगों को जिनके पास बैंकों में खाते नहीं थे उनको बैंकों में खाते दिए गए और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया। 2.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए गए और इसके साथ ही पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत बड़ा विकास कार्य हमारी सरकार ने किया। जल मार्गों का विकास हो, मेट्रो सुविधा का विकास हो, रेल मार्गों का विकास हो, ये सब कुछ मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया। और एक बहुत बड़ा सपना इस सरकार ने जल जीवन मिशन के रूप में इस देश के सामने रखा। हमारा देश कहने को तो 70 वर्ष पहले आज़ाद हो चुका है लेकिन इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज देश की लगभग आधी आबादी ऐसी है जहां महिलाओं को, घर की औरतों को सर पे मटकी रखकर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है पीने का शुद्ध पानी लाने के लिए। तो ऐसे हर घर के अंदर पीने का शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की जिसमें जल संचय, बारिश के पानी के संग्रह, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पानी बचाने के तमाम प्रयास और पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने की सारी योजना शामिल है। इसके लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करती हूँ। और बीते दिनों हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध एक से एक बढ़कर जघन्य अपराधों की घटनाएं सामने आई, चाहे हैदराबाद की हो या उन्नाव की हो। लगभग देश के हर कोने में ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती हैं और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से सरकार ने देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स की स्थापना का और इसके साथ ही हर पुलिस थाने के अंदर महिला हेल्प डेस्क बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो भी अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। हमारी सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पहली बार देश के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिफेंस रिफॉर्म्स की डिमांड थी उसको पूरा करने का काम भी सरकार ने किया है। और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में सरकार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है और कैसे हम अपनी विद्युत की जो हमारी मांग है उसको सोलर के पावर के जरिए, हाइड्रो पावर के जरिए, विंड एनर्जी के जरिए, बायोमास और बायोगैस को जनरेशन के जरिए पूरा करें इसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। जहां विकास के नए अध्याय लिखना नए भारत की कल्पना में शामिल है वहीं सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करना भी सभापति महोदय हमारे नए भारत की कल्पना में समाहित है। और पिछले कार्यकाल से लेकर इस कार्यकाल तक सरकार ने ऐसे तमाम कदम उठाए हैं जिससे हमारे समाज के पिछड़े, वंचित, दलित, कमजोर तबकों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगी पिछले सत्र में जो एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने किया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष
बढ़ाने के लिए जो कानून हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जो हमारे केंद्रीय विद्यालय और हमारे नवोदय विद्यालय हैं उसमें पिछड़ी जाति से आने वाले बच्चों के लिए अकादमिक सत्र 2020-21 से उनको प्रवेश प्रक्रिया में 27% आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्णय किया, और यूनिवर्सिटीज की नियुक्ति प्रक्रिया में 13 पॉइंट का जो रोस्टर था उसके स्थान पर पूर्ववर्ती 200 पॉइंट के रोस्टर की व्यवस्था को बहाल किया। पिछले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया, और क्रीमी लेयर की जो आय सीमा थी उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इन निर्णयों की मैं सराहना करती हूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूं मेरी सरकार से कि अभी पिछड़े दलित और कमजोर तबकों के हक में और भी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य जिसका उल्लेख हमारे माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी भी कर चुके हैं कई बार, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन, क्योंकि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और सोशल डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन उस न्यायपालिका में होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन के साथ हमारे जो समाज के वंचित तबके हैं उनको भी देश की न्यायपालिका में लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ में आने का अवसर मिलेगा। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन की ओर ध्यान करें। और एक अंतिम निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा सरकार द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित की गई उसका उल्लेख किया गया कि कैसे उस प्रतिमा को देखने के लिए देश भर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि इस पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का सही स्थान देश की राजधानी में दिल्ली में है, और इसलिए सरकार के इस कार्यकाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना दिल्ली में की जाए। इतना ही कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए और दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री कागेन मुर्मू।